हर विजयी देश की अपनी कल्पना और कूटनीतिक जरूरतें थीं। फ्रांस, जिसे युद्ध में सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा, चाहता था कि जर्मनी को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जाए और वह हर मुल्क को हर्जाना दे और जर्मनी को इस तरह तबाह किया जाए कि वह फिर से कभी हमला करने की स्थिति में ना हो। 1871 में फ्रांस से जो इलाके जर्मनी ने छीने थे उन्हें वापस फ्रांस को दिया जाए। ये वे इलाके थे जो जर्मन उद्योगों के लिए अति महत्वपूर्ण थे, जहां से उन्हें कोयला और लौह अयस्क मिलता था। इस तरह फ्रांस जर्मनी को दोहरी क्षति पहुंचाना चाहता था ताकि वह कभी फिर से सर न उठा पाए। ब्रिटेन भी जर्मनी को सामरिक तौर पर कमजोर करना चाहता था, मगर आर्थिक रूप से नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो ताकि ब्रिटेन उससे व्यापार कर सके। लेकिन ब्रिटेन को उपनिवेशों व यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना और राष्ट्र के खुद के भविष्य के अधिकार तय करने या फिर समुद्री यातायात को खुला करने को लेकर गहरी असहमति थी। वर्साई संधि, जून 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया। वैसे इस समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। इसकी कई शर्तें ऐसी थीं जो जर्मनी को मान्य नहीं थीं, लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें न माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे। विवश होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। आइए इसकी प्रमुख शर्तों पर नजर डालें। यह तय किया गया कि जर्मनी 66,000,000 पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया, क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे थे और जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज को पटाने की मंशा रखते थे। जब कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा तो इसे कम करके 20,000,000 पाउंड किया गया। दूसरा, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ, जैसे बेल्जियम व फ्रांस। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तीसरा, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अलसास और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंपे गए। उस क्षेत्र पर राष्ट्रसंघ का प्रशासन स्थापित हुआ। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। 15 साल बाद जनमत संग्रहण करके तय होना था। चौथा, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काट कर नवगठित पोलैंड देश में मिला दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। दोनों हिस्सों के बीच की डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसके समुद्र तक पहुंच बनी रहे। पांचवा, इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काट कर विभिन्न देशों को दे दी गई। छठवा, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे उन्हें राष्ट्रसंघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्रसंघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस व पुर्तगाल के हवाले कर दिया। चीन में जो जर्मन नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे वे अब जर्मनी के हाथ से निकल गए। सातवा, संधि की कई शर्तों के अंतर्गत जर्मनी का निरस्त्रीकरण किया गया। उसकी सेना को 1,00,000 सैनिकों तक सीमित किया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्ध पोतों तथा हवाई जहाजों को नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड ने जर्मनी सेना का प्रवेश वर्जित किया। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी न बने। आठवां, एक शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग अलग किया गया
और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश रह गए और आर्थिक विकास के संसाधन नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और यह स्वाभाविक था कि दोनों का विलय हो, लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दी।